बार चाइना ग्रेट डेस्टिनेशन। इससे पहले मैंने आपको जो प्रिडिक्शन किया है, इससे पहले मैंने हीरो मोटर्स का और वेलस्पेल का किया है, और आप देख सकते हैं उन दोनों और अच्छा लाइक बेस्ट आर्टिस्ट मतलब रहा है। अभी तक जो जो मैंने लेवल मार्क करे हैं वो अभी तक वही चीज़ है, और जो मैंने टारगेट दे रखे हैं वो भी वो सेम वही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाइक का वॉल्यूम आया है, ब्रिलिश दिख रहा है, एंड ऊपर का ही है, अभी भी वही टारगेट है। इससे नीचे ने ब्रेकआउट नहीं दिया। हीरो मोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसका भी अभी टारगेट मुझे जो लग रहा है सेम, वो भी अभी ऊपर का ही है, ये सेम चल रहा है। देख सकते हैं ये पूरा एक्यूरेट अभी तक मेरी प्रिडिक्शन चल रही है। और इससे पीछे मैंने आपको अभी जो लेटेस्ट दिया था वो दिया था मैं वेलस्पन का, उसके पीछे मैंने एक दो वीडियोस नहीं बनाई पर इसमें बनाई। ये देखिए मैंने आपको बैंक का कहाँ से दिया था, यहाँ से दिखाया था मैंने, अभी जो कर रखी थी यहाँ तक का मैंने टारगेट दिया था। उससे बाद ये गया वहीं तक ही टेस्ट लेकर, जो मेरे पहले पॉइंट मार्कआउट हुए हुए थे उस पर ही स्टैंड पर लिया उन्हें, वहाँ तक टारगेट दिया और वहाँ से दोबारा पुल बैक ले रहा है। आने को अब ये इसका यहाँ भी है, अब मुझे जो लग रहा है इसका ये यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ से अगर इन्हें ब्रेकआउट दे दिया आप बाइंग कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगाकर। हाँ मैं पहले कह देता हूँ ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब जब इन्हें टारगेट दे दिया, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और हल्का सा डिटेस्ट लेता है तो आप यहाँ पर बाइट कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ वो फुल प्रूफ टारगेट रहेगा इसका। और आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले जाएं और रिटेस्ट ना करें, और आप ले सकते हैं तो आप अपना के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अभी जैसे ये चल रहा है यहाँ से, अभी इसका मुझे जो दोबारा लग रहा है इसका 92 का आने का लग रहा है, पर ये मुश्किल है क्योंकि अभी ट्रेंड ने इनके सारे पॉजिटिव ही हैं, ब्रेकआउट दे सकते हैं। पर अगर आप इसमें सेल में अपॉर्चुनिटी बनाना चाहें तो सेल में बन सकती है, पर ये वेल स्पेन है, इसमें कभी सेल में नहीं बनती, इसमें बाई होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो मुझे लाइफ टाइम का टारगेट लग रहा है वो अब इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर इसमें ये ब्रेकआउट देता है तो आपका 116 और 118 जा सकता है, और उसके बाद ये भी देता है तो ये आगे तक के मैंने मार्कआउट कर रखे हैं और इसे जाना ही अबाउट है। ये आप देख सकते हैं इस पर लाइव जो चल रहा है। चलिए दोस्त ये बता दीजिएगा हमारी प्रिडिक्शन कैसे जा रही है, और कुछ आप लोग भी सिखाने की कोशिश करिएगा, मैं भी लर्नर ही बैठा हूँ, लर्न करने के लिए तैयार। अच्छा आज हम बात करते हैं एक नया स्टॉक HCLTech। ये मतलब जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मेरे पास है, और इनके आप देख रहे होंगे मेरे पास लेवल जो है मैंने मार्क कर रखे हैं। बस मैं यूट्यूब से नया आया हूँ इसलिए नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं चलते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है मैं दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरों की नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर लोगों ने अपने चैनल बना रखे हैं, विश्वास की तरह लोग बाग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं सही हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़े दिनों तक बना के रखते हैं फिर उसके बाद वो अपना पेट खोल देने लगते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नई नई स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और ये मुझे नहीं लगता मैं तो कोई पेड़ वगैरह कुछ ऐसा बनाने वाला नहीं हूँ, पर जितना मैंने औरों से जहाँ मैंने मनी स्पेंड करके सिखाया वो तो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा मार्कआउट हुआ हुआ है, ये मेरा रेजिस्टेंस, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, मैं उसके बाद बाय करूँगा और मेरा ये रहेगा, पर मेरी बाय इसमें ऑलरेडी है। और देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पूरा जैसे कि जैसे मैंने मार्क कर रखा था वैसे ही उसी पोजिशन पर ये गया। हाँ आप देख रहे होंगे बीच बीच में मैंने काफ़ी कम गैप पे लगा रखा है, ये थोड़े माइनर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होते हैं, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता, पूरे फोकस पे फॉलो करता हूँ। पर जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जो ये प्रोजेक्शन है, ये मेरा प्रॉपर मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा प्रॉपर एग्जैक्टली अब काम कर रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी लॉसेस वगैरह लोगों के टिप्स वगैरह इस पर था, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप प्रॉपर चलिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए और खुद याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम भी वही करते हैं जो हम सीखते हैं, हम भी उसी पे करते हैं, और जो दूसरे जो सीख चुके हैं वो भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। अब कुछ है जो इधर उधर की नॉलेज लेकर बीच में कूद पड़ते हैं वो हमेशा डूबते ही हैं। मेरा ग्राफ भी गाइज मेरा ग्राफ ऐसा गया है, स्टार्टिंग में जो मैं जब मैंने स्टार्ट करी थी चलने पूछ के ऐसे मेरा ऊपर पहुँचा, वहाँ से मैं टॉप पर पहुँच के सारे पे मैंने लोड बहुत लेने स्टार्ट किया, मैं ऐसे नीचे आया, और अब मेरी जर्नी दोबारा स्टार्ट है ऐसे धीरे धीरे चल रही है। अब आप देख सकते हैं ये HCLTech है, अच्छा शेयर है, नीचे ही पड़ा है क्योंकि इसके टारगेट वगैरह अच्छे खासे ओपन है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिए लास्ट टाइम पे कहाँ 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 तक किया था, अगर आप इसे एक्यूमलेट करना चाहें और लेना चाहें तो आप इसे एड ऑन कर सकते हैं, 13 समथिंग पे
तो अभी भी अच्छी जगह पोजीशन पे है। और एस सी आर टेक तो आपको पता ही है, अच्छा शेयर है, तो आप अगर चाहें तो इसे लेकर अपना अपना प्रडिक्शन वगैरह कर सकते हैं। और अपनी इसमें जो आप स्ट्रेटजी वगैरह लगाएंगे, जो सब कुछ लगाएंगे, वो आप अपनी लगाइए, इधर उधर की नहीं। मैं क्योंकि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तरीके से अपना व्यूज आपके अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें कुछ गलत हूँ तो आप मुझे सिखा सकते हैं, अभी मुझे बता सकते हैं। अभी जो मेरा लेवल चल रहा है, ये अगर मैं इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 1160 के ऊपर, और एक कोई ब्लूश कैंडल के ऊपर बनती है, तो मैं इसका जो दूसरा टारगेट के लिए रहूँगा इधर रहूँगा। और अगर यहाँ कोई बाय करना चाहे कर सकता है, पर क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ क्लोजिंग, जब आज का दिन बंद हो। मैं डेली में चेक करता हूँ, मैं नॉर्मल डे के लिए नहीं, क्योंकि मेरा वो नहीं रहता कि मैं रोज आऊँ बैठूँ और 5-10 मिनट 15 मिनट बाद चेक करूँ। मुझे एक बार इन्वेस्ट करना है, लंबा खाने की आदत है, शॉर्ट में तो अपन चलते ही नहीं। पर हाँ, मेरा ऑप्शन सेलिंग भी चलता रहता है, तो उसमें मैं देखता रहता हूँ। तो ये मेरे कुछ अलग अलग स्टॉक्स हैं जिसमें मैं चेक करता हूँ, करता हूँ। अभी ये हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये जाता है और ऊपर प्रॉपर एक हैमर बनाता है, क्लोजिंग ऊपर देता है, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। तो गाइज, आप मुझे अपना नेक्स्ट बता सकते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, किस पर प्रेडिक्शन करूँ। ये जो सारे शेयर ऑलमोस्ट मेरे पास रखता हूँ, अलग अलग अकाउंट में, और क्या चीज़ें देखता हूँ। चलिए जाते हैं, देखते हैं। आज तो मार्केट नॉर्मल लग रही है, अब भी डाउन है, अब नहीं उसमें देखते हैं कि क्या होता है। चलिए गाइस, नई वीडियो में मिलते हैं। देखिए ये अभी जो है एक्सेल अपना हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें बिल्कुल बुलिश लग रहा है। पर बस मेन चीज़ ये है कि ये क्लोजिंग ऊपर है, और क्योंकि आप इसका वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका जो आया है बुलिश में पहले 2-3 दिन में अच्छा ही आया, पर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है। अगर आज इसमें वॉल्यूम एक अच्छा बैंक की आ जाता ना, तो हम 100% कह सकते थे ये ऊपर ही जाना है। पर अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ, क्योंकि जो उसका RSI चल रहा है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप करके अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ तक और उसमें जो है तब मैं देखूँगा। पर अभी मिडल में ही है और शॉर्ट टाइम ही हुआ, देखते हैं क्या होता है गाइस। बाकी चलिए बाद में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए नेक्स्ट डे। ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर ट्रेडिंग।